जो बैंक हड़ताल पे, हालांकि स्टेट बैंक और ओवरसीज को छोड़ दिया जाए तो बाकी बैंकें और 9 ऐसे कार्मिक संगठन हैं जो लगातार 2 दिवसीय हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या मांगे हैं उनकी और किन मांगों को लेकर के हड़ताल कर रहे हैं आप लोग। लगातार दूसरा दिन है हड़ताल पे, क्या मांगे हैं आप लोग? मांगे हमने आपको कल भी बताया था कि ट्रेड यूनियन के, केंद्रीय ट्रेड यूनियन जो संगठन हमारा है जिसमें AITUC, HMS, INTUC, C2, UTUC जो केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर यह हड़ताल की गई है। पहले यह हड़ताल फरवरी 23-24 को होनी थी लेकिन चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए इस डेट को परिवर्तन किया गया और 28-29 की हड़ताल है। भारत सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट में संशोधन करना का है और उसके बाद बैंकों को निजीकरण करना है, पब्लिक सेक्टर को बेचना है आदि, जितने भी तरह तरह के जो 70 साल से जो सरकार ने कमाया उसको धीरे धीरे सरकार बेच रही है, चाहे वो प्रॉफिट कर रही हो चाहे वो लॉस कर रही हो, तो ये अपनी घर की संपत्ति को बेचना, इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र वर्मा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। और हर बड़ी खबर के लिए आपको ऐप पर भारत समाचार से जुड़ सकते हैं, आपको ऐप पर हमें फॉलो भी।